ஏ கைஸ் ஹம்பி வந்தாச்சு. ஹம்பியில் வந்துட்டு ஒரு மல்லிகை அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் அந்த ரூமை போட்டாச்சு. ஓகே, நல்ல கிராண்ட் கிராண்டான ரூமு, கொஞ்சம் பெரிய ரூமு, நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது. நாட் சோ பேட். ஆனால் செம டயர்டு. ஐம் கோயிங் டு ஸ்லிப் அஸ் யூஷுவல். ஓகே, சி யூ இன் த வீடியோ. கைஸ் நம்ம சேனலுக்கு இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் இங்கே மல்லிகை ஹோஸ்பேட் அந்த ஹோட்டலில் வந்து பூல் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே ஒரு கவர் பண்ணியாச்சு, அருமையான பூல். பட் டைம் இல்லை, ஸோ ஐம் நாட் டேக்கிங் ஐம் நாட் கோயிங் ஃபார் ஸ்விம் இன் திஸ் பிளேஸ். நல்ல பிக் பூல், 6.5 ஃபீட்டு டெப்த்து, 2.5 ஃபீட்லேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்லாண்டிங் ஆகி வருது. நல்ல பூல் கைஸ். ஹம்பி வந்தாச்சு. ஹம்பி வேறு லெவல் ப்ளஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ராக் ஸ்கல்ச்சர்ஸ், ராக் பில்டிங்ஸ் வேறு லெவல். கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு, வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஹம்பி. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் சோட்டா சோட்டா மந்திர் ஸ்கூல் டிக்ரைன் ஆஃப் மண்டப் ஜோசப். இஸ்கோ மண்டப் பேர் ரெட்டு அபி டூ மண்டப் பேர் மூர்த்தி நே. லெஃப்ட் சைட் மே கணபதி, ரைட் சைட் மே சரஸ்வதி. உதர் மே மூர்த்தி சே இமேஜினேஷன் தேக் சக்தி பத்தன் ரவு கணபதி தென் சரஸ்வதி. ஸ்டடி பில்டிங் ஷோ பத்தன் ரவு इसलिए पहले का नाम प्रसन्न अभी लोग बोलते हैं अंदर गेम्स सैंडलवुड यूज करता था वो पूरा उसके ऊपर ब्लैक दिख रहा है ना वो पूरा चंदन का लकड़ी अग्नि में जला दिया पत्थर का मूर्ति वगैरह खंडित किया आज में रिजर्व बैंक एंड एक्सिस बैंक नोट वगैरह प्रिंट करते हैं उस जमाने में गोल्ड कॉइन्स प्रिंटिंग करता टंकशाला देन मिंट एरिया சொன்னியா. கைஸ் இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல ஸ்டாச்சுஸ் கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து ருயின்ஸ் ஆகாத ஸ்டாச்சுஸ்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல மியூசியம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்டாச்சுஸ்லாம் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போயிட்டுருக்குறோம். ஹம்பி டைனாசிட்டி ருயின் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபுல்லாக ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லாக இந்த ருயின்ஸ்லாம் எடுத்து தேர் கீப்பிங் இட் சேஃப். ராணிகா அந்தாபூர் ஜனன எங்க ஜனனமே இஸ்லாமிக் லேடிஸ்
गोपुरा रानी का हावर है, राजा का त्रिवैस है, तिरुमला देवी चिन्ना देवी जगन मोहन, फर्स्ट वाइज तिरुमला देवी, सेकंड वाइज तिरु चिन्ना देवी, थर्ड वाइज जगन मोहन, थर्ड वाइज आंध्र आंध्र में रहते हैं, इधर टू वाइज की जैसे जनना इस्लामिक नाम रखा है जनना एंग क्लोज, अभी मैं खड़ा हुआ 83 मार्क 46 जनना एंग क्लोजर, जनना मीन्स देन इस्लामिक देन लेडीज। ये पूरा बड़ा फोर्ट दिख रहा है ना, बड़ा वॉल भी दिख रहा है, जो रानी के लिए विश्रांति करने के लिए जगह है। राजा का थ्री वाइफ रहते हैं आंध्र में, आंध्र वाइफ रहते हैं तिरुमला देवी, चिन्ना देवी, जगन मोहिनी, इधर के लिए टू वाइफ रहते हैं, तिरुमला देवी इन फर्स्ट वाइफ, चिन्ना देवी इन सेकेंड वाइफ, आंध्र एंड हम्पी, एंड हम्पी इज़ द चिन्ना तिरुमला देवी, सेकेंड वाइफ इज़ द चिन्ना देवी, और टू वाइफ के लिए टू पैलेस देख सकते हैं आप। जो नॉर्मली बीच दिख रहा है आपको, मैं जो घर बनाने के लिए या नीचे बीच में ऊपर आर्किटेक्चर है ना, उन लोग भी ऐसे ही, वो जो पूरा दिख रहा है आपको बेस दिख रहा है, बेस बेस खाली पत्थर का बेस है, इसके ऊपर पूरा चंदन का लकड़ी है, वो चंदन का लकड़ी है, इसके ऊपर पूरा ब्लैक दिख रहा है, अग्नि में जला दिया। उन लोग फर्स्ट वाइफ के लिए तिरुमला देवी के लिए जला पैलेस, जला महल, राउंड शेप में वाटर है, सेंटर में जला महल, जला मीन्स वाटर, पैलेस इधर रानी रहने के लिए, इधर फर्स्ट वाइफ के लिए, सेकेंड वाइफ के लिए इधर एक बेस दिख रहा है आपको, बेसमेंट बेस, जो तिरुमला देवी फर्स्ट वाइफ तिरुमला देवी, सेकेंड वाइफ चिन्ना देवी, चिन्ना देवी के लिए वो जो छोटा सा बेसमेंट है, इसके ऊपर भी पूरा आर्किटेक्चर था चंदन, वो सब उसका पूरा हकी में जला दिया। ये जो टू वाइफ के लिए टू पैलेस आगे दिख रहे हैं आपको, लोटस महल, लोटस महल, लोटस मतलब कमल आर्किटेक्चर में, आप लोग मेरा हम्पी में आके लोटस महल देख सकते हैं, दिल्ली में लोटस टेम्पल। ये जो पूरा नेचुरल एयर कंडीशन रूम देन समर पैलेस, तब से उन लोग रानी लोग को इधर बहुत धूप है तो उधर आके रेस्ट करते हैं समर में। थ्री आर्किटेक्चर में दिख रहा है आप लोग को, ऊपर से जैन सेंट्रल इस्लामिक, लास्ट वन हिंदू आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक एंड जैन आर्किटेक्चर। खाली उन लोग समर में रेस्ट करने के लिए जो लोटस महल बनाया, वो जो और एक नाम है इसका चित्रांगणी महल, चित्रांगणी में सो मैनी डिजाइन आर्किटेक्चर है ना, इसलिए ऊपर जैन, वो जो छोटा सा टैंक है, टैंक से पाइप कलेक्शन रहते हैं, जो टैंक से बड़ा पाइप रहते हैं और पाइप में छोटा छोटा पाइप रहता है राउंड शेप, और समर में एक पाइप में पानी डालता है ना, हर पाइप में कलेक्शन हो जाता है, तब से वो जो कलेक्शन होने के बाद में ये जो नेचुरल के लिए पेड़ से हवा आए तो एयर कंडीशन होता है, अभी पानी एयर कूलर में जाए तो हवा आएगा ना, ऐसे ही उस विजयनगर टाइम पर टेक्नोलॉजी मुझे एयर कंडीशन के लिए एक पाइप में पानी डाले तो हर पाइप में कलेक्शन होने के बाद में ये जो नेचुरल के लिए ऐसे ही हवा से आए एयर कंडीशन होता है, एयर कूलर सिस्टम के लिए, इसलिए नेचुरल एयर कंडीशन रूम देन समर पैलेस। कल समर में गर्मी में रुकता था और गर्मी होने के बाद इधर आके रेस्ट करता था। ये जो टू वाइफ के लिए ये जो पूरा रानी का पैलेस है आप लोग, और एक ऑप्शन है वो सेंटर में इस्लामिक आर्किटेक्चर में वॉल्स दिख रहे हैं, उस टाइम पे वो उधर ही जाके ऊपर जाके रेस्ट करता था ना, वो पूरा विंडोज है 32 विंडोज, नीचे ऐसे ही पिलर्स दिख रहे हैं 24 पिलर्स है, जो पिलर के ऊपर छोटा छोटा पत्थर दिख रहा है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है, ये वो पत्थर के ऊपर कैंडल दिया वगैरह लग के लाइटिंग होता है। ये जो थ्री वाइफ के लिए थ्री टू वाइफ के लिए टू पैलेस, अंदर आंध्र वाइफ अंदर चंद्रगिरी में एक पैलेस है उधर रहता था, एक्चुअली नॉर्मली टू पैलेस देन नेचुरल थ्री पैलेस हुआ ना दोनों रानी के लिए। होल दिख रहा है, हाँ वो जो होल में पाइप सिस्टम पूछा, पाइप सिस्टम, पाइप सिस्टम होल का अंदर छोटा से दिख रहा है पाइप सिस्टम, देख तब से पाइप प्लास्टिक का बिल का नहीं रहता,
ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ வந்துட்டு எலஃபண்ட் ஸ்டேபிள் பார்க்க போகிறோம். எலஃபண்ட் ஸ்டேபிள் எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். லெட்ஸ் கோ. मैसूर में दसरा फेस्टिवल होता है, तब से दसरा फेस्टिवल होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं नवंबर में। इस साल कोविड से नहीं किया, किया तो जनवरी में करेगा। तीन दिन यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैसूर से ओनली रॉयल एलिफेंट आते हैं। கைஸ் இதுதான் எலஃபண்ட் ஸ்டேபிள். இங்கே தான் வந்துட்டு ராயல் எலஃபண்ட்டை கட்டி போட்டிருக்காங்களாம். மொத்தம் 11 ஸ்டேபிள்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வந்துட்டு மைசூர்லேருந்து வர்ற பெரிய பெரிய எலஃபண்ட்ஸ்லாம் கூட, ராயல் எலஃபண்ட்ஸ்லாம் கூட இந்த 11 ஸ்டேபிள்ஸில் தான் வந்து கட்டி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் தான் இது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்குமா. இது வந்து வேறு லெவல். நம்மளோட பழைய ஓல்டு ஹெரிட்டேஜ் நம்ம கண் முன்னாடி பார்க்குறோம். ஸோ பியூட்டிஃபுல் டிஸ். ஹம்பியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்ததுக்கான அடையாளங்களை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம். அதில் வந்துட்டு விஜயநகர் சாம்ராஜ்யம், கிஷ்கிந்தா சாம்ராஜ்யம், முகல் எம்பையர்ஸ் வந்துட்டு போனது, ஜெயினோட ஆர்கிடெக்சர், இதெல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ பியூட்டிஃபுல் டிஸ். இது வந்துட்டு யானைகளை வந்து பார்த்துக்கிறவங்களுக்கான வீடுகள். இதெல்லாம் மணலில் புதஞ்சு கிடந்த அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ், அதெல்லாம் எடுத்து இங்கே பத்திரமாக வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி உள்ள ஒரு சர்ப்பம், அதோட ஸ்டாச்சு. Do 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 do
கைஸ் ஒன்றும் வேறு லெவல் ஸ்டாச்சுஸ் பயங்கரமான வேலைப்பாடு உள்ள ஸ்டாச்சு ஓல்டு ஓல்டு டைனாசிட்டி நம்மளை விட ஒரு 700-800 இயர்ஸ் முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க கைப்பட்ட ஸ்டோன்ஸ் அது பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ பியூட்டிஃபுல்